हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी ऐप में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन वेक्टर से, शब्दिश से, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। सीनियर सेकेंडरी पोर्शन ले लो चाहे ग्रेजुएशन पोर्शन ले लो। अब देखो, आप एक अगर आपको जानकारी नहीं हो तो पहले तो मैं ये बता दूं कि संस्कृत जो डिपार्टमेंट है वहां से भी अलग सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी निकाली जाती है संस्कृत डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो पिछली बार जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें एक तो अपने जो आरपीएससी निकालती है वैकेंसी एक संस्कृत डिपार्टमेंट की, इसकी अलग वैकेंसी आती है। तो 2018 में मेरी फ्रेंड का इसमें सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अपन ज्यादातर को ये होता है कि ध्यान ही नहीं देते संस्कृत डिपार्टमेंट, या कम बच्चे ही फॉर्म फिल करते हैं और कम जो है सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए आपको इसका भी ध्यान में रखना है। वही सेकेंड ग्रेड होता है यहाँ पे भी टीचर, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट संस्कृत डिपार्टमेंट से आता है, तो आरपीएससी, और इसका पेपर अपने से ज्यादा इजी आता है, तो ये एक चीज ध्यान रखना है। तो आज हम जो सोल्व कर रहे हैं, पहले सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम सोल्व करेंगे, लेकिन अभी इस संस्कृत डिपार्टमेंट के सेकेंड ग्रेड 2018 में से वेक्टर और स्केलर सतीश वाले टॉपिक से 7 क्वेश्चन एक ही सीनियर सेकेंडरी वाले पोर्शन से पूछे हैं। अब ग्रेजुएशन वाले पोर्शन से तो और थे, वो हम पढ़े नहीं, तो उसको भी हम करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जहां आप अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत इजीली बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, और ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाली इसका इसकी भी आपको जानकारी रखनी है, जब भी वैकेंसी आए इसका भी फॉर्म आपको लगाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल, पहला ही क्वेश्चन कि ए जो सदिश है आई के, ये है आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के कैप, और बी सदिश ये है एंड सी सदिश ये है, क्या बोल रहे हैं। देन सी जो है ए प्लस लेमडा बी के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसका मान क्या आएगा, किसका पूछा है। अच्छा लेमडा का मान पूछा है, क्वेश्चन में पूरा लिखा नहीं है ना, हो तो लेमडा क्या होगा ये पूछा है कि लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी। ओके क्लियर, तो आपको समझ आता है क्वेश्चन। जब भी पूछे दो सदिश परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होने का मतलब है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि ए डॉट बी जो होता है ए बी कोस थीटा होता है, और ये जीरो है। दो सदिश जो अशून्य हो, ठीक है, वो खुद नॉन जीरो हो, खुद जीरो नहीं है, अरे कब किसी का गुणा जीरो कब आता है, या तो उनमें से खुद जीरो हो जाए, ठीक है। अब देखो इसका गुणा जीरो कब आए, या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो या फिर कोस थीटा जीरो, हम देख रहे हैं ए बी तो जीरो नहीं है, हमारे सामने ए बी है बी भी है, इसका मतलब ये कोस थीटा जीरो है, और कोस थीटा जीरो किस पे होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है, जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो कोस थीटा जीरो होता है, यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो हम डॉट कर देंगे भाई, जब बोल रहा है ए प्लस लेमडा बी सी के लंबवत है, क्या ए प्लस लेमडा डी ली सी के लंबवत है, लंबवत है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। डॉट में क्या है, आई के वाले को आपस में गुणा कर दो, आई के हट ही जाता है, सीधा करो अपने। तो जैसे अभी हम देख लेते हैं इसको, सबसे पहले तो आपको क्या है, हमारे पास ए है बी है, ए प्लस लेमडा बी नहीं है तो निकाल लो ना ए प्लस लेमडा बी, ए तो अपने पास है ही, आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के, लेमडा को इससे गुणा करो पूरे को, लेमडा बी बन जाएगा, और फिर जोड़ दो दोनों को। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। ए प्लस लेमडा बी, तो हमने यहाँ पे ए कुछ भी नहीं है, ए प्लस लेमडा बी में लेमडा बी मतलब बी जो भी है, जो भी आई कैप जे कैप के कैप है उसको लेमडा 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 से गुणा कर दिया, फिर हमने ए में जोड़ दिया, तो मैंने सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया, आप जोड़ लीजिए कोई वो बड़ी बात नहीं है। वन माइनस लेमडा आई कैप ये ए प्लस लेमडा बी बन गया है, टू प्लस टू लेमडा जे कैप, थ्री प्लस लेमडा के कैप ये बन गया, ठीक है। और सी हमारे पास पहले का है कि भाई थ्री आई कैप ये रहा, थ्री आई कैप प्लस जे कैप ये है ही, ठीक है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सीधा इसमें आई 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 को तो हटाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो थ्री इंटू वन माइनस लेमडा प्लस जे कैप में क्या है, वन है, वन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, के कैप में कुछ ही नहीं है तो जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा, ये दो हटा काम। और आई कैप जे कैप डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना, उसमें आई कैप जे कैप के कैप कुछ नहीं आना है, ठीक है। तो हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0 किया, लेमडा की वैल्यू में 5 आ गई। अब क्या है, सिंपल से क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें, इतना ही कॉन्सेप्ट लगा है, अगर कोई दो सदिश परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, तो डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है, गुणा ही तो करना है, गुणा जोड़ बाकी इससे जी क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, ये आया हुआ है संस्कृत सेकंड ग्रेड 2018 में, 7 क्वेश्चन लगातार हम उसी के सोल्व करेंगे, और देखना कितने इजी है, कुछ आया क्या, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो इसका देखो, सदिशों पी आई आई के प्लस क्यू जे के एंड क्यू आई के प्लस माइनस पी जे के लिए सत्य कथन है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है, इनके अदिश और सदिश गुणनफल के परिणाम बराबर है, इन्हें डॉट प्रोडक्ट करो और क्रॉस प्रोडक्ट करो दोनों इक्वल आएंगे, ये ऐसा बोल रहा है।
ये असमतलीय है, बोल रहे हैं कि समतलीय नहीं है, नॉन कोप्लेनर है, बोल रहा है कि परस्पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, समांतर है, क्या सही होगा? तो आपको देख के अगर आप जैसे पी इसमें है क्यू है, क्यू है माइनस पी है, इसका मतलब सीधा ही आपको पता चल रहा है कि भाई इसको दोनों को गुणा करूं तो पी क्यू बन रहा है, और इनको करूं तो पी क्यू माइनस चिन्ह भी आ रहा है, यानी कि पी क्यू माइनस पी क्यू डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो सीधा सीधा दिख रहा है कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक बार अपन को इजीली क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट सबसे इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ दिखते ही आपको टिक आ रहा है भाई, PQ दोनों में माइनस और आ रहा है, तो PQ माइनस PQ इज जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया था, हमने अभी डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन दो दे दिए। ये सेकंड ग्रेड 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, तो कुछ सोल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट जीरो करो। ये हालांकि मैंने समझाया आपको कि डॉट प्रोडक्ट आपने जैसे किया तो PQ डॉट प्रोडक्ट cos थीटा जीरो थीटा पाई बाय टू। ठीक है, तो सत्य कथन कौन सा है, तो भाई परस्पर लंबवत है, ये सत्य कथन है। तो हम देखने से ही टिक कर दिया, बस क्या हमें याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट ये है कि डॉट प्रोडक्ट किसी भी सदिश का जीरो है और वो सदिश नॉन जीरो है। अगर सदिश ही जीरो हो गया तो फिर कोस थीटा जीरो होने की जरूरत नहीं है, ये हम पढ़ते उसमें पढ़े, क्लियर है? तो डॉट प्रोडक्ट आपको समझ आता है, तो हमने सीधा टिक किया है दूसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन अपने पास आता है किसी अशून्य सदिश ए के लिए, ए क्रॉस आई कैप इनटू क्रॉस आई कैप, मतलब ये वाला है जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट है इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसका सूत्र हमें जो होता है ना ऐसे याद नहीं रहता है, आपको क्या करना है कि जब ये पहले आए ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ऐसे ये पहले आए और एक में क्या आता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये ब्रैकेट इसके बीच के लगा होता है, तो आपको याद ये रखना है, कैसे याद रखना है, 132 इसका 132 माइनस 231 और इसका बनता है 132 माइनस 123, ठीक है, 132 माइनस 231, ये 1 का मतलब ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझ में आया, इसको समझना, वैसे याद नहीं रहता फॉर्मूले के रूप में, 132 माइनस 231 ये याद रखोगे। अच्छा 1 क्या है, 1 की जगह हमने लिख दिया ए, 3 क्या है, 3 की जगह यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 की जगह हमने लिख दिया आई, फिर 2 क्या है, 2 की जगह भी आई है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, एक बार ये नहीं लगाना, आप लिख देना है, फिर 2 की जगह क्या है भाई आई है, फिर 3 की जगह क्या है आई है, फिर 1 की जगह क्या है ए है, पहले दो के ब्रैकेट लगा दो, इनमें डॉट प्रोडक्ट होता है, और ये ऐसे, ये तो हमें पता है, पहले दो के लगा दिया, ए और डॉट आई के, कहीं भी सदिश ए है ना, इसका मतलब ये सदिश सदिश ए है ना, पूरा सदिश क्या होता है, ध्यान रखना, ये a1 i के प्लस a2 z के प्लस a3 k के, ऐसे लेना है उसको, कोई भी सदिश होगा ऐसे लेना है। तो हमने कहा भाई जब हम ये है और इसका डॉट प्रोडक्ट i के साथ करेंगे तो i वाला a1 केवल आ जाएगा, बाकी तो जीरो हो जाने क्योंकि हमारे पास है नहीं ये, ठीक है। तो यहां से हमने जैसे ही इसका i के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो a1 बचा, लेकिन बाहर बोल रहा है कि ये i ये साथ लग जाता है, तो a1 i के। इधर देखो, इधर i डॉट i तो 1 बन गया, ए सदिश बेचारा अकेला बैठा है इधर, तो 1 इंटू ए सदिश यानी ए सदिश, तो ये क्या आ गया a1 i के माइनस ए सदिश। अब देखो जब भी ऐसी चीजें आए ना तो ये ऐसा नहीं है आपको अलग अलग ये सोल्व करो ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है i आ रहा है जब a1 माइनस ए बन रहा है सदिश, जब यहाँ z आ रहा है तो यहाँ पे j के साथ क्या आता है a2 j के, तो यहाँ बनेगा a2 माइनस a, सोल्व नहीं करना आगे, यहाँ पे k के पाया इसका मतलब यहाँ a3 माइनस a के बनेगा, कर लो एड कर लो सबको, यस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये क्या था a1 i के था a2 j के a3 k के, ये था, तो एड जब हमने किया तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि a1 i के प्लस a2 z के प्लस a3 k के माइनस a a a कितने हैं 3 है, तो 3 a सदिश, ठीक है। अच्छा a1 i के a2 z के a3 k के क्या है, ये हमने बोला था कि ये a सदिश है, हमने ही तो ये पूरी काम की है, बाकी इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन हम बोले कि a क्या है, हमेशा इसी तरीके से चलेंगे, जहां भी a आया कहीं लेने की बात होंगी, i से मल्टीप्लाई i डॉट प्रोडक्ट करेंगे, हम a1 a2 a3 ले लेंगे, ठीक है। तो हमने तो बोला भाई ये तो a ही है, तो a माइनस 3 a सदिश जो है वो क्या आएगा, माइनस 2 a आएगा। अब ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, SR सेनी में भी है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन, आप उस टाइप की चीजें सोल्व करके जाते हो तो माइंड सीधा, और मैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन, मुझे आइडिया
लग जाएगा इससे, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दूंगी कि आप इनको प्लीज प्रैक्टिस करें, या तो आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे या फिर आपके उसके टाइप क्वेश्चन मिलेगा देखने को। और हमें ऐसे नहीं सब मिलेंगे, ऐसे दावा मैं नहीं कर रही हूँ कि सब मिलेंगे, कुछ एक मिलेंगे, और हम उस कुछ एक को कर देंगे ना तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो हमें सिलेक्शन लेना है, 30 मार्क 30 मार्क बन के वहां पे नहीं आना है, ठीक है। तो ये बात है, ओके। तो ये इस टाइप से मैंने पूरा किया है नीचे, आप समझो, समझ लेना इनको, ठीक है। वैसे हमने कर लिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि अब देखो, ये बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये किसी एग्जाम में अलग तरीके से आया हुआ है, हम डिस्कस करेंगे, बाकी याद नहीं रहता कि इतने सारे करते हैं कि तो ये कौन से एग्जाम में, बट एग्जाम में आया हुआ है। यदि दो इकाई सदिशों का योग फिर से एक इकाई सदिश है तो उनके अंतर सदिश का परिणाम, जब भी बोले कि दो सदिश का योग एक इकाई सदिश है, तो पहले भी क्या बोला है, दो इकाई सदिश, क्वेश्चन बिल्कुल सही पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक मतलब मैथ्स में नहीं कर पाओगे, दो इकाई सदिश है और उनका योग फिर से एक इकाई सदिश, तो आपको क्या करना है, जब भी बोले ना तो आप बोलो कि भाई ये सदिश ए है और इसका इकाई सदिश है ना, इसका परिणाम परिमाण जो आएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 1 होता है, ठीक बात। दूसरा हम सदिश लेंगे कि बी इसका 1 हुआ है, और ए प्लस बी जब हमने किया वो भी बोल रहे इसकी जोड़ की तो भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, क्लियर। तो हमने ये भी लिख दिया। अब देखो, जब भी ये पूछे ना स्क्वेयर करो, और इसका ए प्लस बी के मोड का स्क्वेयर कैसे होता है, मोड इन मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पे ये ए स्क्वेयर प्लस बी के परिणाम का स्क्वेयर प्लस 2 ए बी कोस थीटा होता है, बस ये चीज ध्यान रख लो, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए डॉट बी, मतलब जो 2ab आता है वो ए डॉट बी आता है, और ए डॉट बी अपन ने अपर ओपन करते हैं तो ए बी कोस थीटा होता है, ए बी कोस थीटा होता है, और ये मतलब इनका मैग्नीट्यूड के साथ इधर 1 का 1 ही रह जाता है। ए स्क्वायर बोलो क्या है, 1 का स्क्वायर 1, बी क्या है, इकाई सदिश है, यहाँ पे 2 1 * 1 कोस थीटा आ गया बराबर 1, 1 + 1 इज 2 + 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1, 1 - 2 इधर भेजे तो क्या बना -1, और ये कोस थीटा वाला जो है 2 यहाँ नीचे जाएगा, तो कहीं कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब अपना काम हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, ये पूछ रहा है कि भाई इनकी जो इनका अंतर है इन सदिशों का, तो अंतर क्या है, एक सदिश ए माना हमने, दूसरा सदिश बी माना, इनका अंतर क्या है, a - b। अच्छा, इसका परिणाम ज्ञात करना है, तो हम परिणाम ज्ञात कर लेते, ये ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वेयर करो, स्क्वेयर करेंगे ये सब में ऐसे ही करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसमें माइनस है तो माइनस 2a·b, a·b क्या होता है, ab cos थीटा, वो का वो लगा दिया ना, तो a क्या है 1 है, b क्या है 1 है, -2 a क्या, फिर a का 1 है, b क्या है 1 है, cos थीटा हमने निकाल लिया है, -1/2 आ गया ना, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 1 + 3 आ गया, यानी a माइनस बी का मोड स्क्वायर 3 है, तो हमें तो परिणाम चाहिए, इसका परिणाम का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये क्या जाएगा, √3 इज द आंसर, क्लियर, समझ आ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, और ऐसा क्वेश्चन आपको अब समझना क्या है आपको, कि जब भी किसी सदिश का परिमाण दे रखा है, हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने ऐसे कर रखे हैं, तो हमारा माइंड क्लिक कर जाएगा, ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं हमने पहले ही, तो माइंड क्लिक करना चाहिए, क्योंकि एडोट भी जहां भी आ रहा है इस टाइप से मोड ऑफ, ये मॉडुलस इसका स्क्वेयर, परिमाण दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसका स्क्वेयर कीजिए, स्क्वेयर करते ही वो कोस थीटा आएगा, क्योंकि हमें कोस थीटा आएगा और कोस थीटा से हमारा काम बन जाएगा, कई बार वो कोण की वैल्यू पूछेगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसे मान के चलो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको मैंने सोल्व किया हुआ है, ठीक है। अब आप मार्केट में जाओगे सॉल्यूशन पेपर लेके आओगे मैथ्स के, तो केवल आपको पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलता मैथ्स के पेपरों का, अभी हालत ये है, ठीक है। तो सदिश के अंतर का परिमाण मैंने पूरा किया है, आप मैं PDF जो है इसकी एड कर ही दूंगी अपने ऐप में, ठीक है, तो आप वहां से ले लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, ये भी इसी में आया है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की सदिशों दिस एंड दिस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज का वर्ग इकाइयों में क्षेत्रफल है। देखो इसके दो फॉर्मूले, क्या फॉर्मूले होते, वही सीधा सीधा फॉर्मूला है, यदि ये समांतर चतुर्भुज है और इसकी आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड है, ठीक है, ये बी, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आना है, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम क्या आएगा, ए क्रोश बी, ये आ जाता है। अगर हमें ये ए और बी विकर्ण दे रखे हैं, डायगनल दे रखे हैं, कि डायगनल एक डायगनल ए है, दूसरा डायगनल बी है, तो इन डायगनल दे रखे हैं और फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, तो उसमें उस टाइम 1/2 लग जाता है, 1/2 ए क्रोस बी, यहाँ ए क्रोस बी ए और बी क्या है, डायगनल्स है,
लेकिन अभी सीधी सीधी भुजाएं दे रखी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको पता है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यदि एडजेसेंट भुजाएं ये ए दे रखी है, आसन्न भुजाएं ए और बी सदिश दे रखा है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही उसका क्षेत्रफल होता है। क्लियर हुआ बात? अब ये तो कॉन्सेप्ट है, हम नोट्स पढ़ते हैं तो यही तो चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, बोलो? कितना इजी क्वेश्चन है, इतना तो पूछेगा ना मैथ्स है, ठीक है? तो हमने क्या क्रॉस और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना आता होगा आपको? आप लिखो भाई, सारणी बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ लिख दिया। पहला क्या है, यहाँ है वन, यहाँ है टू, यहाँ है थ्री, तो मैंने लिख दिया वन टू थ्री। इधर क्या है, माइनस थ्री आई कैप जे कैप में टू है कि मैंने इन्हें माइनस थ्री टू वन, तो यहाँ लिख दिया माइनस थ्री टू और ये के नहीं वन लगाना है, ठीक है? अब हम क्या कैसे करते हैं भाई, आई कैप रख देते हैं, ठीक है? इसके बाद हम जो है ना कि आई कैप तुझे रखा, अब तेरी लाइनों को नहीं रखेंगे, अब इनमें से तो इसको तो करे टू इंटू वन टू टू, ये इधर उल्टा चलता है, ये माइनस में, तीन दूनी छह माइनस छह, ठीक है? फिर ये बीच वाला आता है जब माइनस जे लगता है, डिटरमिनेंट को ऐसे ही तो सोल्व करते हैं माइनस जे। अच्छा तेरे को लिया, अब तेरी लाइनों को नहीं लेंगे, अब इसको इसको यानी वन इंटू वन इज वन, माइनस लगाएंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू थ्री लेकिन माइनस नाइन, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। अच्छा फिर लो प्लस के कैप, अच्छा तेरे को लिया इस बार प्लस, ये बीच वाला माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है अल्टरनेट, ठीक है? के लिया तुझे लिया, अच्छा तुझे तेरी लाइनों को नहीं लेंगे, अच्छा इनको लेंगे वन इंटू टू इज टू, माइनस तीन दूनी छह लेकिन अब पहले से माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है? ये आ जाएगा तो छह, दो में से छह गया, माइनस का चार आई कैप, नो और एक दस, माइनस का दस जे कैप, प्लस छह दो आठ, प्लस का आठ के कैप। अच्छा ये पूछा है, लेकिन ये थोड़ी ना चाहिए, ये तो एक सदिश आ गया, इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण जो होता है वो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, चार का सोलह, दस का सो, परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। यदि कोई सदिश है ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, तो उसका परिमाण क्या होता है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। ओके ए वन क्या, चार का स्क्वायर करो सोलह, सो का स्क्वायर दस का स्क्वायर सो चौसठ, एक सौ अस्सी आए, एक सौ अस्सी क्या होता है, सिक्स अंडर रूट फाइव होता है, छत्तीस पंजे एक सौ अस्सी, ठीक है? तो आंसर वन इज करेक्ट। बताओ इजी है कि नहीं है, इजी है ना? तो अभी तक जो भी क्वेश्चन आए मुझे बताओ कि कोई ऐसे इतना भयंकर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, या कहीं से कुछ दिमाग लगाओ या बहुत ज्यादा टाइम लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? अपने सिलेक्शन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्वेश्चन बोले तो ये है, ठीक है? अभी तक वही चल रहा है, सेकंड ग्रेड 2018 में से छह क्वेश्चन एक ही टॉपिक से लिए, पता नहीं बावला हो गया देखने वाला, सीधे सीईसी में से ले लिया सारी। अब ये देखो ये दसवीं की चीज आ गई, ठीक है? हम सदिश दे रखा है, हम सदिशों से सोल्व ही नहीं करेंगे, हम तो सीधा सोल्व करेंगे किससे, जो दसवीं में हमने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट, ठीक है? वो पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति नहीं, वो अनुपात में बांटते हैं ना, वो वाला जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है? पी रेखाखंड एबी को तीन अनुपात दो में विभाजित करता है और ए पी की स्थिति सदिश दिस दिस दिस, आप जानते हो? हम बोले कि ये जो कोई दो बिंदु है कहां गया, ये है, ये बिंदु ए है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं देख रही, पहले इसको बता रही हूँ कि ये बिंदु बी है। कोई बिंदु पी जो इसको एम अनुपात एन में विभाजित करता है, इसके निर्देशांक जो है एक्स वन वाई वन है और इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू है, मुझे बताओ क्या फॉर्मूला लगता है, लगता है और मैं ऐसे बोलती हूँ सीधा, इस फॉर्मूले को मत याद करो, आप लिखो पहले पहले वाला लिखो, या एक्स वन लिखा या एक्स टू लिखा और नीचे एम वन एम टू लिखो, इससे मल्टीप्लाई करो एम वन एक्स टू, फिर इससे मल्टीप्लाई करो प्लस एम टू एक्स वन, प्लस आएगा या माइनस नहीं आएगा ध्यान रखना, और नीचे दोनों की जोड़ m1 प्लस m2। ये अगर अंतः विभाजित करते हैं, अंदर काटते हैं तो प्लस, और बाहर बाह्य विभाजन करते हैं तो माइनस, ये सबने पढ़ा हुआ है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो दसवीं की किताब में है, चैप्टर नंबर तो मुझे ढंग से नहीं याद है क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें पढ़ाती हूँ तो पता नहीं रहता, ठीक है? तो ये है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, जो वेक्टर में दे रखा है हम जाएंगे ही नहीं वेक्टर से, हमें ये चीज आती है हम इसी से करेंगे, ठीक है? अभी देखो इसने क्या बोला है, अब देखना इसको कि एक P जो है रेखाखंड AB को तीन अनुपात B में बांटता है, तो हमने बना ली एक लाइन बना ली, ये लो कि ये तो है P भाई, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट और ये पॉइंट है P जो तीन अनुपात दो में बांटता है, हमने लिख दिया। अब इसके जो ये इसके निर्देशांक बोल रहा है, ये जो है इसका स्थिति सदिश पोजिशन वेक्टर दे रखा है ए प्लस बी, इसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? और इस पी बिंदु का ही दे रखा है ऐसा, तो हम क्या करें भाई, ए और बी की फॉर्म में है ना, ए के मल्टीप्लाई में क्या है वन, इसके मल्टीप्लाई में भी क्या है वन, तो हम बोले ये वन वन है,
यहाँ पे क्या है, ए के मल्टीप्लाई में वन है या बी के मल्टीप्लाई माइनस वन बाई, हम बोलेंगे ये है, हम इसको ढूंढना है एक्स वाई कर लेंगे। पहला पहला लिखो देखें, देखो मैंने बताया तरीका किस टाइप से करना है, यहाँ प्लस टू आएगा, वन लिखा एक्स लिखा, मैंने कहा पहला पहला फॉर्मूला पे में नहीं जाएंगे, पहला पहला लिखो थ्री टू जो है ये लिखो, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा करना है, टू इंटू वन इज टू प्लस थ्री एक्स, थ्री एक्स प्लस टू अपॉन नीचे इन दोनों को जोड़ दो, तीन प्लस दो पांच सीधा जोड़ो। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप समझ जाओ, कुछ चीजें आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, वरना आप ऐसे तीन प्लस दो पांच करो सीधा सा, पांच इधर मल्टीप्लाई किया क्या इधर गया, ठीक है थ्री एक्स पांच माइनस ये दो इधर आ जाएंगे, तो थ्री एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू वन, वन आ गया, ठीक है। अब वाई निकालो भाई, तो वाई वाई दूसरे दूसरे वाले लिख लो, दूसरा इधर क्या है, दूसरे का मतलब समझ रहे हो, चीजों को समझना, ताकि अपन क्या है माइंड फॉर्मूले में भी, देखो मैं क्यों नहीं बता रही फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि अपना माइंड 10 सेकंड तो फॉर्मूले में दे देगा, कहाँ है अपने पास 10 सेकंड, ठीक है नहीं है हमारे पास, तो दूसरा दूसरा वाला फटाफट से लिखो, ये वन ये इधर वाई ये थ्री ये टू मल्टीप्लाई करो, थ्री वाई प्लस टू अपॉन फाइव इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस वन बाई फाइव, यही तो आ रहा है माइनस वन बाई फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल आउट, ये माइनस वन इधर है टू इधर गया तो माइनस टू, तो माइनस वन माइनस टू इज माइनस थ्री, थ्री वाई इज माइनस थ्री, वाई इज माइनस वन। मैं वैसे फिल्म लेके आ रही हूँ कि एग्जाम मेरा है और मुझे कैसे सोल्व करना है, तो मुझे ऐसे सोल्व करना है, ठीक है हम हर तरीके से प्रिपेयर होंगे। तो एक्स क्या आया मुझे बताओ, एक्स आया वन, वाई क्या आया माइनस वन, अच्छा ए भी में आंसर लाना है ना, ए तो प्लस का, ए को वन से मल्टीप्लाई करो, बी को माइनस वन से, क्या आंसर आएगा ए माइनस बी, तो इस बी का स्थिति सदिश मुझे बताओ क्या है ए माइनस बी, क्लियर है ना, तो कितना बोलो इजी है कि नहीं है। देखो ये आ गया आंसर, करो टिक भाई आगे चलो, क्लियर ना। तो ये भी संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड, ऐसा नहीं है मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से अब तक सब पेपर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है तो सारे पेपर सोल्व करेंगे। ओके तो ये था क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये भी सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2018 का क्वेश्चन है, वैसे का वैसे फिर पूछ लिया इसने। अब बोल रहा है यदि बिंदु ए दिस है, बी दिस है और सी दिस है, एक रेखीय हो मतलब एक ही रेखा में बिंदु ये, तो बिंदु बी ए सी को, ये आप कर लेना, क्या कर लेना, देखो ए ये है बी ये है सी ये है, बोल रहा है एक रेखा में, ठीक है भाई रेखा बना दो, बिंदु बी जो है ना ए और सी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम बोलेंगे ये एम अनुपात एन में विभाजित करता है। अच्छा इस बिंदु में क्या है, 11 है 3 है 7 है, ऐसे ही लिख लो, और यहाँ पे बी के क्या है, बी के है 5 है माइनस 2 है, अच्छा 5 है और 0 है जे कैप, ये थोड़ा ध्यान रखना बस ऐसी गलतियां नहीं करना, 5 आई कैप और 2 के कैप माइनस 2 के कैप है ना, जे कैप 0 है फिर ये माइनस 2 है। अच्छा सी का क्या है, सी का है 1 माइनस 2 माइनस 8, हमें तो तीन अनुपात तो x और y से निकल जाएगा, z तो जाए वो में इसका मीनिंग ही नहीं है, इससे निकल जाना, इससे क्या पहला पहला वाला लिखो इसका और इसका कि m अनुपात n में विभाजित करता है, वो इसका वो क्वेश्चन मुझे लगता है अगर आपने टेंथ वाला पेपर वो सोल्व किया है तो कुछ भी नहीं है। पहला पहला लिखा 11 इधर, पहला इधर क्या है 1 है, इसको किस अनुपात में n अनुपात n में, तो 11 ये m प्लस 11 n, m प्लस 11 n बराबर अपॉन एम प्लस एन, कितना है ये b का ही तो आया है, बी पांच है तो इक्वल टू पांच किया, ये इसी से आ जाना है ना, एक से ही आ जाना है, m अनुपात तो एक से आ जाता है ना, तो देखो कितना इजी है, इसको मल्टीप्लाई करो m प्लस 11 n इक्वल्स टू 5m प्लस 5n, अच्छा 5m है इधर तो m को इधर ले आओ, ये m को इधर भेजा 5m में से 1m घट गया 4m बचा, अच्छा इस m को इधर ले गए 11 में से 5 घटेगा 6n आ जाएगा, हमें तो m by n अनुपात ही तो ज्ञात करना है, तो हम निकालेंगे भाई m by n, यानी कि m ऊपर रखना m, तो इस 4 को इधर भेज दो, इस m को इधर ले आए तो m by n कितना आएगा 6 by 4 तो 3 by 2, अनुपात क्या आएगा 3 by 2, सेकंड इज द आंसर। और अब करना ही नहीं है दूसरा तीसरा कुछ भी है कि नहीं है, एक से अनुपात हमेशा एक से आ जाता है, अनुपात हमेशा एक से आ जाता है, ये दूसरा भी जा तेरे भी तू भी नहीं चाहिए, तू भी नहीं चाहिए, ठीक है ऐसे सोल्व करना है आपको। अब बताओ ये टेंथ क्लास का क्वेश्चन है, टेंथ क्लास का, ठीक है इसने सदिश की फॉर्म में दिया बट हम सदिश की फॉर्म में वैसे करेंगे, अब समझ में आ गया। चलो ये मैंने बताया कि ऐसे कुछ है, ये वो 7 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट मार्च 2018 सीनियर सेकेंडरी पोर्शन से, मैं हर चीज लिख के दे रही हूँ, लास्ट में हम एक बहुत प्यारा वाला रिजल्ट निकालेंगे यहाँ से, इतने क्वेश्चन ये इजी है और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इजी और स्कोरिंग, ठीक है रिजल्ट क्या निकला है आज का, इजी है
स्कोरिंग है, अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं हमें, चलो ये आज का रिजल्ट है और ये साथ क्वेश्चन आए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन। अच्छा, मेरे पास कहीं ऐसे मैसेज आते हैं, फायदा आप यह वीडियो यहां तक देखोगे, देखना है और ध्यान भी देना कि स्पेशल एजुकेशन के लिए भी अलग वैकेंसी निकलती है, उसके क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ये था सात क्वेश्चन का एक वीडियो, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे और इस टाइप से हम चीजों को पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है अपने सेशन में, तो मतलब मजा आया होगा और नेक्स्ट सेशन में आता रहेगा, तो मिलते हैं।